हरिओम। मैं हरीश नंदवानी उल्लासनगर 3 का निवासी हूँ और मैं आज आप सब लोगों के साथ बापू श्री आशाराम जी के शिष्य बनने के बाद मेरे क्या क्या अनुभव है ये आप लोगों के साथ वर्णन करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं इस लायक कुछ भी नहीं हूँ कि बापू जी के बारे में कुछ बोल सकूँ, क्योंकि उनके बारे में बोलने के लिए न तो मेरे जबान में ताकत है न मेरे दिमाग में उतनी सोच। उनके बारे में कुछ भी बोलना तो ऐसा है जैसे किसी सूरज को दिया दिखाने के बराबर। मैं तो दिया भी नहीं हूँ। आज मुझे याद आ रहा है जब मैं बेबस चौक पे अपने परिवार के साथ रहता था और कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से, ग्रह कलह की वजह से मेरे को घर छोड़ना पड़ा। मुझे याद है उस मैं बिल्कुल सड़क पर आ गया था, न तो मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह थी, न ही मेरे पास रोजगार का ऐसा कुछ साधन था जिससे कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता था। तब मैं एक बार साईं जी के आश्रम में गया, वहाँ मैंने उनका सत्संग वीडियो कैसेट सुना। उसके बाद मुझे ऐसी लगन बढ़ गई कि मैं सीधा अहमदाबाद, जहाँ के मैं ससुराल भी मेरा वहीं है, मैं आश्रम में गया और 1992 में मैंने गुरुजी से दीक्षा ली। वैसे तो भगवान की कृपा से और गुरुजी की कृपा से मेरे परिवार पर हमेशा बापूजी की कृपा रही है और मेरे पिताजी की नानी और गुरुजी के गुरु यानी श्री लीला शाह जी बापू पाकिस्तान में एक ही गांव के रहने वाले हैं और हमारे परिवार पे हमेशा उनकी आशीर्वाद रही। और मेरा धन्य भाग है कि मैं 4 साल की उम्र में लीला शाह जी बापू जब आगरा में हमारे घर में आए थे तो उन्होंने अपनी गोद में बिठा के मुझे आशीर्वाद दिया था। शायद उनके ही ये चरणों का प्रताप है कि मैं अपने आशाराम जी बापू के चरणों में पहुंच सका, जो कि मेरे हमारे कुल गुरु के भी शिष्य थे। और आज मेरे को सौभाग्य है कि मेरे को ऐसे गुरु मिले जिसकी वजह से, जो एक समय में मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरा अपना अनुभव ये है, जब से मैंने साईं से लगन लगाई है मैंने ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर मुसीबत पे, हर तकलीफ में मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे साथ है। हमेशा मुझे ऐसा लगा कि मेरी उंगली पकड़ी है उन्होंने और कहा, बेटा तू क्यों घबराता है, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। आज उनकी वजह से मैं ऐसा लायक बन गया हूँ कि एक बहुत अच्छी कंपनी में अच्छे ऊंचे पद पर मैनेजर के पद पे आसीन हूँ। पर गुरुजी की कृपा से और गुरुजी के वाक्यों के अनुसार आज भी मैंने कभी भी 1-5 पैसे की भी हराम की कमाई मेरे घर में नहीं लाई है। उनके आदर्श, उनके जो बताए हुए रास्ते पे चलकर मुझे हमेशा परम आनंद की प्राप्ति हुई है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उस बापू की वजह से हूँ और मैं अपना ये आनंद लोगों से बताना चाहता हूँ कि कृपा करके सतमार्ग पर आए और ऐसे प्रभु के ध्यान में लीन हो जाएं जो कि कलयुग में एक श्री राम का अवतार लेकर पैदा हुए हैं, और सब मिलकर ऐसी प्रार्थना करें कि ऐसे गुरु का हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे, भगवान उनको शत शत आयु और प्रदान करें और हमेशा उनकी छत्र छाया हमारे सर पर बनी रहे।